अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। रुई, रुई, प्लीज सुनो, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। अरे सुमित्रा जी, सोनी कहाँ हो? क्या हुआ आंटी? रुके, मैं बुलाता हूँ। दादी, छोटी माँ। अरे विमला, सुबह सुबह यहाँ कैसे? अरे सुमित्रा जी, मैं तो बस ये कहने के लिए आई थी कि क्या आप भी इसी कंपनी का घी इस्तेमाल करते हैं? हाँ करते तो है, पर हुआ क्या? इसका मतलब आपके घी में भी पेट्रोल की मिलावट है? पेट्रोल की मिलावट? हाँ, मैंने घी के लड्डू बनाने के लिए डिब्बा निकाला तो उसमें से पेट्रोल की बदबू आ रही थी। अरे मेरे पति तो उसी टाइम कंपनी में कंप्लेंट करने के लिए जा रहे थे, पर मैंने सोचा कि मैं एक बार आप लोगों से पूछ लूं कि कहीं आपके डिब्बे में भी मिलावट तो नहीं। नाहर बेटा, तुम वो घी का डब्बा कंपनी में ले गए थे ना? नहीं छोटी माँ, वो जब मुझे वो डब्बा और पाइप मिला उसके बाद मेरा पूरा शक अग्नि पर ही चला गया। उसके बाद मैंने चेक नहीं करवाया। मैंने वो डब्बा स्टोरूम में रखवाया था। अब बेटा जरा जाकर ले आओ। जी दादी। इस डब्बे से तो पूरी पेट्रोल की महक आ रही है। नाहर बेटा, माना पूजा का घी खुला हुआ था इसलिए अग्नि ने उसमें पेट्रोल की मिलावट की होगी, लेकिन ये कंटेनर तो स्टोर रूम में था ना? नाहर तब तक अग्नि घर से जा चुकी थी, तो फिर इसमें अग्नि ने कैसे पेट्रोल मिलाया होगा बताओ? नाहर जी, ये भी मान लिया कि अग्नि ने इस घर के घी के डब्बे में पेट्रोल मिलाया था, लेकिन वो पड़ोसियों के घर में जाके उनके कनस्तर में तो पेट्रोल नहीं मिलाएगी ना? होना हो घी के डब्बे में ही कोई गड़बड़ी है, और आपने अग्नि पर गलत इल्जाम लगाकर उसे घर से निकाल दिया। चारी अग्नि बार बार कहती रही कि उसने कुछ नहीं किया, कुछ नहीं किया, पर हमने किसी ने उसकी बात नहीं मानी। सच कह रही थी कि अगर कोई सुधरना चाहे ना तो लोग उसे सुधरने नहीं देते। हमने भी उसे सुधरने का मौका नहीं दिया। मुझसे इतनी बड़ी गलती कैसे हो सकती है? हाँ जी, अगर बाप को अपनी गलती का एहसास हो ही गया तो चलिए ना उसे सुधार लेते, अग्नि को और अपने होने वाले बच्चे को घर वापस ले आते। प्लीज चलिए ना, प्लीज जल्दी। मैं तो बस घी की मिलावट के बारे में पूछने के लिए आई थी, पर लगता है आपके घर का मामला कुछ और ही है। मैं चलती हूँ। विमला, मैंने सुना है कि तुम्हारे बेटे का बिजनेस घाटे में चल रहा है, उसे कर्जे से बाहर निकालने के लिए मैं पैसे दूंगी तुम्हें, लेकिन तुम्हें मेरा एक काम करना होगा। कौन सा काम? ये घी का कनस्तर लेकर मेरे घर आना और कहना कि इस घी में पेट्रोल की मिलावट। बेचारी अग्नि पता नहीं कैसी होगी, कहाँ होगी, कहाँ दर दर की ठोकरें खा रही होगी। मैं फोन करता हूँ उसे। अग्नि, वो मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। जी मैं अग्नि नहीं, सिटी हॉस्पिटल से नर्स निवेदिता बोल रही हूँ।
सिटी हॉस्पिटल से? नर्स अग्नि ठीक तो है ना? जी हाँ, वो बिल्कुल ठीक है। आज उनकी सोनोग्राफी होनी थी ना, इसलिए वो हॉस्पिटल आई हैं। हाँ, आज तो अग्नि की सोनोग्राफी होनी थी ना जी, हमें जल्दी से हॉस्पिटल चलना चाहिए और मिलकर अग्नि से बात करनी चाहिए। हाँ हाँ नर्स, मेरी बात आप ध्यान से सुनिए। अग्नि को जाने मत दीजिएगा, प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है, हम हॉस्पिटल आ रहे हैं। छोटी माँ, पापा हम अभी आते हैं। हाँ नार बेटा, जल्दी से जाओ। प्लान काम कर गया, अब अगले कदम की बारी। अभी सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और पाएं मन अति सुंदर के सारे शानदार एपिसोड्स। अब बच्चे को खोने का डर ही तुम्हें मेरे पास लेकर आएगा नहार। अब देखना कैसे तुम ये रिपोर्ट देखकर सब कुछ भूलकर दौड़ते दौड़ते मेरे पास आओगे। नहार रूही यहां से निकल चुके हैं। एक काम तो हो गया, अब दूसरा काम पूरा करती हूँ। सिस्टर, अग्नि नाम की एक पेशेंट है, चेक करिए कौन से वार्ड में है। सॉरी सर, इस नाम की तो कोई पेशेंट नहीं है। आप सुंदरा के नाम से चेक कीजिए। या करेक्ट, सुंदरा, श्री सुंदरा के नाम से चेक करिए। वो तो अभी अभी चले गए। चली गई? हाँ। लेकिन सिस्टर, मेरी शायद आप ही से बात हुई थी और मैंने आपसे साफ साफ कहा था कि उन्हें जाने मत दीजिएगा, हम आ रहे हैं हॉस्पिटल। हाँ, मैंने कोशिश की थी लेकिन वो बहुत जल्दी में थी, मानी नहीं, और जाते जाते उनके फाइल से ये रिपोर्ट भी गिर गई। सिस्टर, अब सिस्टर एक मिनट, क्या आपको कोई अंदाज है कि वो कहाँ गई है या फिर कहाँ जा सकती है? क्या उन्होंने आपसे कुछ कहा या फिर कुछ भी बोला कि वो कहाँ जा रही है? हाँ, किसी से जोधपुर के बस की टिकट की बात कर रही थी। जोधपुर की बस? जोधपुर की बस तो 4 बजे की, रूही हमें बस स्टैंड जाना होगा जल्दी से। हाँ। थैंक यू सिस्टर, थैंक यू, चलो रूही। नहार जी, अग्नि फोन नहीं उठा रही है, लगता है बहुत ज्यादा ही नाराज है। सब मेरी गलती है रोहित, सब मेरी गलती है। मैंने बिना पूरा सच जाने अग्नि पर इल्जाम लगा दिया, सब मेरी गलती है। तुम प्लीज ट्राई करो। नहार जी, अब पछताने से कोई फायदा नहीं है, हमें अग्नि को ढूंढकर सही सलामत उसे घर वापस लाना होगा। हे खाटू जी, प्लीज मेरी मदद कीजिए, प्लीज प्लीज हमें अग्नि से मिला दीजिए, प्लीज। ये जाम क्यों लगा हुआ है? मैं जाकर देखता हूँ। अरे लगता है ये लड़की का बुरी तरह एक्सीडेंट हुआ है। ना जी चलिए। एक मिनट। अब देखिए मन सुंदर दंगल प्ले पर टीवी से पहले।